इसको पहचान लेना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल। ओके गाइस, सो टुडे जो है आज का, हाँ यस, लास्ट क्लास में कहाँ तक हमने किया था? सो वी हैड डन द सम वेयर लाइक ऑन आइस क्यूब अ ब्लॉक ऑफ मास लाइक 20 grams ऑफ स्केप, वी हैड टू फाइंड the height of the displaced liquid. okay yeah, sir, ठीक है। और melt होगा तो फिर that change होगा। हाँ sir, yes sir, but ice water का फिर एक अलग block का we have done that, huh? Yes sir, both examples are one with water and one with a block. और एक वो हमने discuss किया था क्या, center of buoyancy, center of buoyancy? yes sir. और एक वो नहीं लिखा ना, एक पॉइंट उसपे था शायद कि फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस वी हैव नॉट रिटन आई गेस, फॉर 1 मिनट फोकस आउट हो रहा। So for center of buoyancy, we had only written that is the point of application of buoyant force. So it is the center of the fluid displaced. Center of fluid displaced, correct. हाँ, और जो है इसमें we have not written, sir, is this a new point in that center of buoyancy or a new topic? Hi, good morning sir, you haven't taught anything till yet, right? Ayush, ek minute. Ha, Ayush, yes, good morning. Good morning. You haven't taught anything till yet, right? नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलराइट,
once हाँ अभी ना once we I guess by NC में we missed this point so let us add this point ना okay sir so by and post में ये सब so for stable equilibrium of a floating object ना for stable equilibrium of a floating object for stable equilibrium of a floating object center of gravity must be sir yes this is the first peg right yes okay sir center of gravity center of gravity must be below center of buoyancy this will discuss एक पॉइंट जो रह गया था ना इस पे हैड तो स्टेबल इक्विलिब्रियम ओके ये चैट डिस्प्ले कर दो क्या Sir, shouldn't gravity center of gravity be above center of buoyancy? ठीक है जैसे एम्स में वन मिनट हाँ एक मिनट ठीक है चैट ठीक है ना चैट डिसेबल है ना गाइस यस यस ओके ओके हाँ देखो इसमें जो है हाँ नहीं देखो जाए सपोज आपके पास से देयर इज एन ऑब्जेक्ट से वी हैव अ शिप कैन आई इरेज दिस पॉइंट इफ एवरीबॉडी हैज कॉपीड वेट सर लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट वेट सर डन सर यू मे इरेज इट अब इसमें जैसे सपोज जो है सपोज वी हैव अ Say this is a ship. So dono case le lete hain. Case one and second case. Huh? Dono cases mein. So this is first case and this is second case. Case two. Ab dono suppose we have kept say jaise ye ship hai. To ship ka engines ya dense jo bhi load hai dense objects mein. हाँ उसको हमने नीचे रखा ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाए क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो mg नीचे आ जाएगा बाय एंड फोर्स विल बी सेंटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऊपर रहेगा ठीक है दिस इज बाय एंड फोर्स से या फिर वाटर यहाँ तक है सर ऊपर नहीं रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी अरे हमने क्या किया कि जो है यहाँ पर शिप में जो डेंस ऑब्जेक्ट है यहाँ रख दिया तो ये यहाँ पे आ गया बायंड फोर्स पे यू विल फाइंड बायंड फोर्स एफ तो यहां पे इक्विलिब्रियम रहेगा ना अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स इज इक्विलिब्रियम यहां पर इसी यहां पर जो है क्या चल रहा है अगेन लेकिन यहां पर आपने क्या किया शिप में जो भी डेंस है शिप के मशीन्स इंजिंस और जो भी लोड है उसको ऊपर रखा ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला गया और बायंसी ठीक है ठीक है बायंसी इज डाउनवर्ड दोनों केसेस को हम डील कर रहे हैं अब इक्विलिब्रियम तो दोनों ही केसेस में पॉसिबल होगा mg और बाय एंड फोर्स दोनों केसेस में इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ना p इज इक्वल टू mg अब इक्विलिब्रियम का नेचर तो गाइस यू हैव स्टडीड दैट इन बल्क पावर एनर्जी चैप्टर नेचर कैसे जज करते हैं इधर उसको वहां से डिस्प्लेस करते हैं यस सर या फिर वो u का वेरिएशन देखते हैं u बाय dx यहाँ पर मान लो ये शिप है तो इस शिप को जो है शिप पानी में वेव्स सी वेव्स हैं तो उसकी वजह से ये रोटेट हो रहा है तो हमने सपोज को रोटेट किया तो हमारा इंटरेस्ट ये दो ही पॉइंट्स में ये दो पॉइंट्स को बाहर निकालते हैं और इसको हमने रोटेट कर दिया से बाय एंगल सम थीटा से 5 डिग्री 10 डिग्री व्हाटएवर ऐसा ये fp एंड दिस इज mg जैसे आपने इसको रोटेट किया ये वाला सेंटर ऑफ बायंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये क्या हो जाएगा वापस आने की टेंडेंसी रखेगा ना हिस्टोरी देखो टॉर्क कैसा है आपने इसको कैसे रोटेट किया
decide clockwise. अब देखो इसका टॉर्क बैंड फोर्स का टॉर्क इधर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी ऐसा, तो ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज. तो आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया और एंटी क्लॉकवाइज वो घूमना चाहता है, तो दैट मींस ये वापस आना चाहता है इस पोजीशन पे. लेकिन यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, यहाँ पर व्हेन यू हैव दिस टू ऑब्जेक्ट्स, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये बायंसी है, सेंटर ऑफ बायंसी. जब आपने यहाँ पे उसको रोटेट किया बाय एंगल थीटा, तो ये एम जी आपने से क्लॉकवाइज 5 डिग्री रोटेट कर दिया. तो क्लॉकवाइज रोटेट किया ये सेंटर ऑफ बायंसी, ऊपर फोर्स, तो 5 डिग्री रोटेट करते ये पूरी ऐसे रोटेटिंग टेंडेंसी है ना, तो शिप क्या हो जाएगा, पूरा ओवरटर्न हो जाएगा, राइट? That means, जो है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वापस अगर आपने शिप ऐसा खड़ा हुआ है, आपने उसको वेव्स की वजह से थोड़ा टिल्ट हुआ, तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है तो ये वापस आ जाएगा. लेकिन यहाँ पर देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है तो और पूरा सा घूम जाएगा, तो शिप विल ओवरटर. उसकी रोटेटिंग टेंडेंसी का सेंस क्या होगा? इसका रोटेटिंग का सेंस विल बी लाइक दिस. आपने उसको क्लॉकवाइज घुमाया और क्लॉकवाइज घूम जा रहा है, तो शिप पूरा ही टर्न हो जाएगा ना सर. यस सर. हाँ सर. सो द वेसल विल बी डिजाइन्ड इन सच ए वे राइट दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो सेंटर ऑफ बॉयंसी. यस हाँ, क्योंकि देखो जो भी वेसल के जो जो इंजिन्स हैं, इंजिन्स वगैरह को उनको क्या करते हैं, मतलब जो अगर शिप को फ्लोर्स में कैटेगराइज करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर में रखते हैं ना नीचे, और जो भी इवन उसका टेंस ऑब्जेक्ट्स है, लोड वगैरह जो भी है टेंस, वो सब नीचे रहता है ना. यस ओके गाइस. सो ठीक है. यस हाँ सर, हमने लास्ट क्लास में जो एक सम किया था सर, उधर तो सेंटर ऑफ बॉयंसी हमें 5 सेंटीमीटर करीब आ रहा था, एंड नहीं सेंटर ऑफ बॉयंसी 4.5 आ रहा था, एंड mg 5 आ रहा था. ओके mg वाज ऊपर था ना. नहीं, हम तो सिर्फ इक्विलियम देख रहे थे ना. इक्विलियम तो पॉसिबल है ना, राइट? इक्विलियम तो पॉसिबल है, लेकिन हम तो इक्विलियम का नेचर जज कर रहे हैं कि आपका रियल लाइफ में कंस्ट्रक्शन जब भी करोगे ना, इक्विलियम तो कैसे भी पॉसिबल है, दोनों केसेस में पॉसिबल है ना. लेकिन रियल लाइफ सिचुएशंस में अगर कोई डिजाइन कर रहे हो तो यू मस्ट इंश्योर दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है नीचे होना चाहिए. हाँ ओके ठीक है गाइस. फिर अब आज जो है वी विल स्टार्ट क्लास इलस्ट्रेशन, क्लास इलस्ट्रेशन पीडीएफ 2. हां गाइस वी स्टार्ट दिस वन. देवेश एनी सम्स यू डिड उसमें से? हां सर किए मैं. ओके ओके ओके. हां so guys let us start class illustration pdf 2. so jis kiya hai to you booklet bhi you can try ha, exercise 1 se, exercise 1 ka jo remaining hai usme shm ho gaya hoga to shm wale sums rehne dena, matlab shm wale jahan bhi spring wagera aa raha hai, baki wale sums to jo bhi hamare band course wale we have done till kahan tak kiya uske aage se continue karna humne shayad na kahan 13 ya 14 tak kahin se kiya hai na. Okay, sir. Okay, guys. Class illustration, PDF 2. हम तो क्लास नहीं करेंगे, बट ही रिक्वेस्टेड टू टेल बिफोर, तो ठीक है मैंने उसको बता दिया. नहीं 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 अभी नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स अभी कहाँ फिनिश हुआ है, सिर्फ स्टैटिक्स का हमने किया है. स्टैटिक्स का भी थ्योरी सम्स ना, सम्स करेंगे. Then we'll move on. पूरा sums वगैरह पूरा करके ही dynamics में जाएंगे guys. Otherwise फिर पूरा confusion हो जाएगा. हाँ तो ठीक है, थोड़ा time लगता है, तो let us see. We have 1 month for TW. हाँ
I will erase this one. First sum. Huh? Everybody has this file, PDF 2. Statics. Yes, sir. जिसके पास नहीं है प्लीज रिक्वेस्ट, अगर कहीं नहीं है तो वी कैन समबडी कैन पोस्ट कर दूंगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज ट्राई फर्स्ट. सर मेरे को बस एक प्रीवियस हमें छोटा राउटर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हमको दिया जाएगा क्या? नहीं ये तो जस्ट जो है हमने नहीं आपको प्रैक्टिकली आपको डाइमेंशंस बताया तो सेंटर ऑफ मास आपने पढ़ा हुआ है तो यू कैन कैलकुलेट दैट वन. लेकिन ऐसे ही प्रैक्टिकली सुनो ना सर कर दिया डिजाइंस में जो है यूज होता है. ओके okay, सर. Ayush, what is the homework status? कहाँ तक हो गया homework? The whole of the booklet already. I haven't touched HCV till yet, which I'll be doing today. Okay, booklet का हो गया very. Yes. Guys, also we have summary notes. So summary का भी notes we can take और हाँ we should solve. Last week भी आपने शायद नहीं किया ज़्यादा. Someone sent the summary, right? Yesterday, sir. Yeah. As I checked. So guys, at least please this week for a time do. Last week, आपने पूरा rotation पर time दिया था. I expect fluids का इस week में थोड़ा ज़्यादा time दो. So. Okay, first question I will ask. Jeet, हाँ, first question कैसे करेंगे? Last illustration file का. Jeet और अशोक. Please tell how will you do first one. Arvansh? Yes, sir. Please tell how will you do question one? What is your strategy? How do you approach this arm? Sir, I'm trying. Okay. Ansh, can you please tell? Rajesh? The density is proportional to pressure by temperature. Pressure by temperature. Which question? पहले तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके एक इक्वेशन निकाल लेंगे वेट में. मिक्सचर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड देन फोर्स ऑफ बायंसी लगा देंगे सर, क्योंकि सर वाटर और एयर का वेट दिया है अलग अलग. तो सर लॉस ऑफ वेट के निकालेंगे उससे करेंगे. तो सियांश इसमें जो है एयर में ना, एयर में है और ये पानी में. और दे आर टॉकिंग अबाउट दिस रीडिंग. हाँ यहाँ पे जो रीडिंग है उसकी बात कर रहे हैं. यहाँ पे से वी हैव अ मशीन और रीडिंग जो वेट ले रहा है. तो सियांश एयर में रीडिंग कितनी है? 36 ग्राम सर.
36 ग्राम, तो मतलब इसका मास, ये पूरे का मास 36 ग्राम है ना, और यहाँ पर रीडिंग जो है 36 ग्राम, और यहाँ का रीडिंग कितना है 34 ग्राम है, मतलब 2G is the buoyancy. Very good. So जो है 2 grams is the buoyant force. Therefore buoyant force by water on object is FB is equal to 2 CG students में करेंगे, हाँ CG students में we are working. So 2 into G, okay, buoyant force is 2 into G, okay, here. ये तो buoyant force हो गया, 2 into G. Guys, ये everybody understood ना this part? Yes, sir. Therefore, buoyant force is 2 grams, 2 into G, therefore, mass of water displaced, भाई कितना होगा मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, 2 ग्राम होगा, 2 ग्राम्स, अगर 2 ग्राम्स पानी इसने डिस्प्लेस किया है, therefore total volume of object is equal to how much, 2 ग्राम्स ऑफ वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 gram per centimeter cube, 2 centimeter cube. This statement everybody understood. So 2 centimeter cube is the total volume of the object. Total volume of ye object hai. Ab isme kuch copper hai aur kuch gold hai. Okay, भाई अब कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला फॉर मिक्सचर ऑफ डेंसिटी ऑफ मिक्सचर श्रेयांश, वहां तो 2 लिक्विड्स को हमने मिक्स किया था, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी 2 लिक्विड्स को मिक्स किया था, फिर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का इंफॉर्मेशन कहाँ है श्रेयांश, यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटीज दी है ना गोल्ड एंड कॉपर, सर रो 1v1 प्लस रो 2v2 इक्वल्स 36. एक मिनट जय, व्हाट यू आर सेइंग, कैसे आया ये वाला, सो वी गॉट v1 प्लस v2 इक्वल्स 2, हां वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉपर इक्वल्स 2. एक मिनट, तो इसका अगर वॉल्यूम ऑफ कॉपर vc है तो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड क्या हो जाएगा, 2 माइनस vc, हां ठीक है, फिर हां सर, सो फिर 19.3 * 2 माइनस vc, प्लस 8.9 इनटू वीसी इक्वल्स 36. अरे ऐसे बताएंगे ना, ऐसे नहीं, मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ गोल्ड, हाँ मतलब डायरेक्टली बोल दो, मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ गोल्ड इज टोटल मास 36. मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सो डेंसिटी ऑफ कॉपर कितना है, 8.9 into Vc plus mass of the gold, plus the density is 19.3 into 2 minus Vc is equal to 36. हाँ श्रेयांश, यू आर सेइंग दैट वन ना, ओके यू आर सेइंग टोटल मास पता है, टोटल इसका वॉल्यूम भी पता है, तो यू आर फाइंडिंग डेंसिटी, यस, सो फिर उसके बाद क्या किया, टोटल डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, मतलब ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कैसे निकालेंगे, इसका टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, ये आ गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे सर, इसमें भी वो लगा सकते हैं ना कि रो, मतलब सर रो के टर्म्स में वी कैन फाइंड डेंसिटी एंड देन सर लीव इट, एक्चुअली आई ट्राई इट वंस एंड एक मिनट,
सर हम लोग ये वाला इक्वेशन ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉपर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी इज इक्वल टू 2। ओके ओके, मतलब दोनों का हाँ वॉल्यूम, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ अर्शियांश तुम्हारा भी तो वही आएगा। अरे देखो यस सर, फाइनल इक्वेशन वही आना चाहिए मेरे, क्योंकि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इनटू वॉल्यूम करोगे और डेंसिटी ऑफ मिक्सचर मतलब इस ऑब्जेक्ट का निकालोगे, इस ऑब्जेक्ट का कैसे निकालोगे, 36/2 इनटू 2 करोगे तो वही आएगा ना। यस सर, तो लाइक डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इन केस ऑफ सॉलिड भी कह सकते हैं ना। यस यस, वो तो जनरल है। हां टोटल see everybody understood this one? Sir, I'm a bit confused that how did you get the total volume of object since one is the density of water? Yes, हाँ देखो buoyant force is 2 grams, 2 into g, therefore mass of the water displaced is 2 grams. Yes, because buoyant, हाँ अगर mass of the water displaced आ गया तो volume of the water कैसे निकालेंगे, as density is 1, volume is mass by density, so 2 by 1 is 2. Yeah, so but how do, why did you write total volume of object, shouldn't it be water? नहीं, हाँ जितना इसका वॉल्यूम होगा इतना ही वाटर वो डिस्प्लेस करेगा। यस सर, बट इफ यू गॉट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस सेम एज दिस वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके सर, ओके सर, गॉट इट, गॉट गॉट इट, थैंक यू सर। हेलो सर। यस, हाँ इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट फुली इमर्स्ड इन इट। ऑब्जेक्ट इज फुली इमर्स्ड इन इट, ऑब्जेक्ट पूरा इमर्ज है ना, तभी तो उसने वाटर डिस्प्लेस किया था, ऐसा कहां दिया ऑब्जेक्ट इज नॉट टू बी इमर्ज ना। तो थोड़ा भी रहेगा तो भी थोड़ा भी मतलब आउटसाइड, नहीं ऐसा नहीं दिया है कि ऑब्जेक्ट इज पार्शियली इमर्ज या हाफ इमर्ज 1/4 इमर्ज, ऐसा नहीं, इन वाटर बोला है तो विल टेक फुली इमर्ज। अच्छा ओके सर, ओके sir, so unless mentioned otherwise you have to take that the object is fully immersed in water. Yes yes, pura in water bola hai to fully immersed. Yes, so guys everybody copy, can I erase this one? सर क्या उन्होंने पार्ट के आंसर में अप्रोक्सीमेशंस लिया है कि एग्जैक्ट आंसर दिया? इसमें आंसर में कुछ गलत सर, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें वो जो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है इसमें नहीं सर, नेक्स्ट वाले में डाउट, नेक्स्ट वाले में 1 मिनट। यस सर, नेक्स्ट वाले में डाउट है। ओके, कैन आई, मतलब आंसर क्लोज आ रहा है पर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, आई गेस हां पॉइंट कुछ, हां 1 मिनट देख लेता है, 0.114 आ रहा है मेरे को। ओके ओके ओके, आई विल चेक। हां ठीक है गाइस, कैन आई रेज दिस वन? यस सर। ठीक है, तो उसमें भी जो है सेकेंड सम, ठीक है यहाँ तक, ठीक है अब नाउ यू हैव व्हाट यू हैव इज कैविटी इनसाइड, ठीक है तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में यू हैव कैविटी, तो ठीक है इसमें दिस इज अ कैविटी। ठीक है अब यहाँ पर कैविटी एंड गोल्ड, ठीक है इसमें कैविटी एंड गोल्ड, तो अगेन यू विल राइट, ये तो ठीक है बायंड फोर्स वही डेटा है, यू विल राइट मास ऑफ कैविटी, मास ऑफ गोल्ड इज द टोटल मास 36, कैविटी का तो ठीक है 0, मास ऑफ द गोल्ड भाई कैविटी का वॉल्यूम जो है बी सी, गोल्ड का वॉल्यूम क्या है 2 माइनस टी सी, ओके तो इसकी ये कितना है 19.3 इंटू 2 माइनस टी सी इज दिस, तो इससे वी सी आएगा राइट, कितना आ रहा है इसमें पॉइंट कितना 1124 क्या,
Now, wouldn't the weight change? But they have asked us to use the last data. No, but there's no copper, so. वो बोल रहा है ना कि now the that person said कि भाई मैंने mix नहीं किया है अंदर जो है pure है लेकिन cavity रह गया सब होता है. Okay sir. हाँ तो इससे answer कितना आ रहा है? Sir, I'm getting 0.134. Yes sir. Yes sir. Yes sir. 135. Can you try removing the copper? Yes sir. 0.135. 0.135. Okay. तो guys इसमें answer कितना दिया है? 1.1.2 तो जो है देखो क्या होता पहले जो है रीडिंग गाइस जिसका इसका हो गया दे कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. हाँ देखो पहले जो रीडिंग था यहाँ पे कितना 36 रैम था ये वाला रीडिंग फिर अभी रीडिंग कितना है 34 राइट तो दैट मीन्स रीडिंग कम हो गया. रीडिंग क्यों कम हो गया बिकॉज ऑफ द बायंड फोर्स तो देयरफॉर बायंड फोर्स इज 2 ग्राम्स तो दैट मीन्स बायंड फोर्स 2 ग्राम्स का है. So that means ये क्यों ये bind force कैसे आता है weight of the fluid displaced weight of the water displaced therefore mass of the water displaced is 2 grams और 2 grams पानी बाहर आ गया है displaced किया है तो मतलब इसका volume भी 2 है ना उसका volume और जो 2 grams water का volume है same time 2 grams water का volume कैसे निकालोगे ना volume is mass by density तो क्या करोगे volume of the water is mass of the water by density of water this is तो 2 आ जाएगा तो इससे पता चल गया टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज व्हाट 2 सेंटीमीटर क्यूब पूरा उसका पूरे का वॉल्यूम जितना उसने पानी डिस्प्लेस किया 2 सेंटीमीटर ठीक है तो हमने इसको वीसी बोल दिया कैविटी और इसको 2 माइनस वीसी और कैविटी प्लस गोल्ड जैसे हमने वहां पर कॉपर प्लस गोल्ड किया था कैविटी का तो मास नहीं होगा तो इसको हटाया मास ऑफ द गोल्ड कैसे लेंगे डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो इससे सॉल्व करने पे ये वाला रिजल्ट आ रहा है. दर्शन अंडरस्टूड नेक्स्ट थर्ड सम गाइस I will erase this one. Ayush, you have taken screenshot, na, iska? Yes, sir. So, Manvi, how will you do third one? So I'm still trying it. Okay. So the second part, like I'm not getting the second part. How is it done? The second part can you solve? So wait, we go first. First part. This major here. This is water. Wait, first part. Without, how will we do this? So we'll find the density of the boat. So D boat kg. Upon D water. Or we can directly equate the weight of the water and the buoyant force. Yes. Sorry, weight of the boat and the buoyant force. It's by Newton's law, FPD, upward force equal downward force. It's the downward force, mg. Is boat ka weight kitna hai? 50 g. 50 g. Buoyant force, kya hoga density of water. So we'll have to find the ratio. So like better write 50 into V boat into G. Like it won't make a difference in the volume of the boat is one. Okay, लेकिन हम इसमें कितना समझ है वो निकालना है ना पहले पार्ट में. So fraction ढूँढना.
वो हाँ तो ठीक है हाँ वो तो वंस डिवाइड करेंगे तो वही आएगा हाँ सो मतलब वही आएगा वॉल्यूम ऑफ बोथ सम वाज इनटू जी. अब यहाँ पर इफ यू आर यूजिंग एसआई यूनिट्स ठीक है तो एसआई यूनिट्स यूज कर रहे हैं. जी तो हटा दिया. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000. वॉल्यूम ऑफ द बोट volume of the boat is equal to 50. The volume of the boat submerged. Therefore, volume of boat submerged is 50 by 1000, which is 1 by 20. Yes, is this correct? Prajesh, kya tha? Prajesh, please tell the doubt again. What is your doubt? Answer the question. B part. Okay, haan, B part. Bhai, B part ke liye. फुल बोट को इमर्स करके सॉल्व हो जाएगा. द बोट इज अबाउट टू गेट कंप्लीटली इमर्स्ड. ओके सो वाटर फ्रॉम द साइड्स मतलब मतलब उसके साइड का जो पार्ट है उसके ऊपर से ना. यस यस जैसे अगर कि मान लो अभी तो क्या हो रहा है बोट में यहां पानी तो यहां तक है ये तो पानी अंदर नहीं आ सकता लेकिन आपने उसको ज्यादा इसमें भर दिया और ये सिंक हो गया समर्ज हो गया और जस्ट जो है इसका अभी थोड़ा सा ये डेल्टा ई ऊपर है मतलब वाटर इज अबाउट टू फॉल फ्रॉम दिस साइड ना मतलब ऐसा पानी में ऑलमोस्ट जैसा आ गया तो और इसमें पानी भी भरा हुआ है. तो अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. अगेन न्यूटन्स लॉ. सो वी लेफ्ट अगेन एफ बी इक्वल टू एम एफ बी इज इक्वल टू mass of the boat plus mass of water plus the mass of the water which is inside FB. FB kya ho jayega? Density of water volume of boat submerged volume of the boat submerged into g. ye to 50 hai 50 g. This is unknown. Density of water SI units में कर रहे हैं 1000. Volume of boat submerged. तो volume of boat submerged तो पूरा 50 plus mass of the water which has gone inside. Mass of the water which has gone inside कितना हो जाएगा? 950 kg is the mass of the water which has gone inside. इस water का volume कैसे कैलकुलेट करोगे? इस वाटर का वॉल्यूम मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डेंसिटी 1000 है और वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर व्हिच हैज गॉन इनसाइड. ये इससे निकालो कितना आंसर आता है. तो सर जो छोटा सा पार्ट है जो वाटर के अबव हम उसको निग्लेक्ट करते हैं ना व्हेन टेकिंग वॉल्यूम ऑफ बोट सबमर्ज. यस हां डेल्टा डेल्टा वाला. ओके यस सर. इससे क्या इसमें कैलकुलेट क्या करना था? वी वांट टू फाइंड द वॉल्यूम ना. यस सर. वाला वॉल्यूम जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 519 by 20. 1 minute गाइस.
Mahesh copied this one. एक मैं सर स्क्रीनशॉट लेने दो सर जस्ट वन डाउट सर सर अगर पूरी बोट इमर्ज्ड ही नहीं है तो सर हम बोट का मास 50 केजी कैसे ले सकते हैं टोटल सर ये वाला नहीं हम तो इन द फर्स्ट पार्ट नहीं नहीं इन द फर्स्ट पार्ट वी आर ड्राइंग एफबीडी ऑफ बोट सो एफबीडी ऑफ बोट पे दिस इज एफबीडी ऑफ बोट तो उसमें यू हैव टू शो फोर्सेस एक्टिंग ऑन बोट forces acting on boat forces acting on boat pe kya ho jayega earth you know earth ka gravitational pull niche mg okay sir aur fluid ka surrounding forces jisko humne buoyant force mein categorize kar liya and this is this Shayans understood yes Janvi dekho yahan par isme na what is happening कि जैसे जो है ये वाला बोट इज अबाउट टू लाइक वाटर इज अबाउट टू गेट फ्रॉम दिस साइड हां ये कब होगा जब ये बोट ज्यादा पानी में डूब जाएगा हां जस्ट ये डूबने वाला है एंड देयर इज ए वन लेयर एक लेयर बाकी है तो ऑलमोस्ट हां जस्ट इज अबाउट टू सिंक तो इस केस में व्हाट वी विल डू विल राइट न्यूटन्स लॉ हां न्यूटन्स लॉ ऑन दिस बोट तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बोट क्या क्या फोर्सेस बताओगे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड्स ना और क्या जाएगा अर्थ का ग्रेविटेशन पुल ऑल्सो यू हैव सम वाटर इनसाइड तो उस वाटर पे भी अर्थ का ग्रेविटेशन पुल नीचे आ जाएगा और बायंट फोर्स मतलब सराउंडिंग फ्लूइड का फोर्स सराउंडिंग फ्लूइड का फोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल से कितना होता है वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड भाई डिस्प्लेस कितना करेगा ये पूरा यहाँ पर पूरा इतना ये चंक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को इसने डिस्प्लेस कर दिया है ना तो इसका वेट कैसे लिखेंगे डेंसिटी वॉल्यूम इंटू जी जी कैंसिल तो उससे हमें मास ऑफ द वाटर इसके अंदर जित कितना पानी भर गया है दैट वी हैव कैलकुलेटेड 950 उस पानी का वॉल्यूम कैसे निकालोगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डेंसिटी इज 1000 ऐसा यूनिट्स में कर रहे हैं तो वॉल्यूम इसका वॉल्यूम कितना आ गया 19/2 अंडरस्टैंड हां सर पर जो मतलब लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो सिर्फ वो जो अनशेडेड पोर्शन है उतना ही डिस्प्लेस किया है ना नहीं 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 डिस्प्लेस एक मिनट यू आर टॉकिंग अबाउट केस 1 या केस 2 केस 2 में जो उसके अंदर भी पानी आया ना सो मतलब फुल्ली सिर्फ डिस्प्लेस जो लिक्विड है वो सिर्फ वो अनशेडेड जो आपने जो शेड नहीं किया उतना ही होना चाहिए ना नहीं 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 देखो अब जो है एक्चुअली ठीक है गाइस देखो आपको निकालना है बायंट फोर्स एक मिनट तो बायंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ना क्या करोगे आप इस रीजन में इस रीजन में इंटीग्रल पीडीएफ अप्लाई करोगे राइट यस सर बायंट फोर्स इस रीजन का इंटीग्रल पीडीएफ तो आप क्या करोगे ये मान लो ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है ऐसा तो साइड में यहां पे भी लिक्विड है पूरा हां ये पूरा लिक्विड तो इसी शेप का बाउंड्री कार्व आउट ये इमेजिनरी बाउंड्री कार्व आउट किया इस बाउंड्री के अंदर जो पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स है इसी शेप का बाउंड्री और यहाँ पर ये वाले में आपको ये इंटीग्रल पीडीए ये वाला निकालना है हाँ इंटीग्रल पीडीए ये वाला निकाल तो इंटीग्रल पीडीए ये वाला निकालने के लिए क्या करूँगी ये बाउंड्री कार्व आउट कर लिया इसके अंदर जो पानी भरे हुए हैं मॉलिक्यूल्स तो इस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स का फिर इसको कैलकुलेट करने के लिए हाँ अभी इस कॉलम को साइड में रखोगे इसको कैलकुलेट करने के लिए ये वाला एफपी कैलकुलेट कर इस पूरे चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स का इक्विवेलेंट को तो इस पूरे चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स पे फोर्स क्या जाएगा नीचे इस पूरे का एमजी हाँ इस पूरे चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स का एमजी और सराउंडिंग फोर्स कौन सा होगा बायंट फोर्स यू विल से दैट कि एफबी इज इक्वल टू मास ऑफ दिस टोटल चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल चंक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू जी ये अंडरस्टूड यस सर Sir, the yes, second sir. Part, the question says before water comes into the boat, how are we in our equation putting in the weight of the water? Oh, no. As equal to the bond force. The question says clearly can before water enters or before it sinks, something like that. Oh, no. There is some leak. Leak se pani andar aa gaya. Aur ये बोट डूबने वाला है अब इधर से पानी आना चालू हो गया तो क्या हो जाएगा बहुत मतलब फिर अंदर ही चला जाएगा
सो यहाँ से थोड़ा सा लीक है, लीक की वजह से पानी आते जा रहा है ना अशोक? Yes. हाँ उसने दिया है ना? Yes. Okay, okay. Okay, guys. Volume of the boat submerged is volume, हाँ A part में कितना आया था 1/20, B part में जब जो है इसमें पानी 19/20 हो जाएगा, 19/20 ये 1 मीटर के ऊपर 19/20 ऐसा हो जाएगा, तब ये जो है पानी इधर से आना भी चालू हो जाएगा। इस डेटा का मीनिंग है 19/20 ये, अंडरस्टूड योना? यस सर। ओके ओके So I will move on to the next one. I will erase this one, Ayush. Yes, Sabin. So in the next question, I'm getting 0.48, not 4.8. Name go fifth. Next question. Okay. So next question, me calculate kya karna tha humne? We have to calculate. Okay. You are given okay. वाला ratio वाला ना right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Ice, cube of ice. Okay. Sorry, sir. I was talking about the sixth question. Fifth question. वाले में fifth वाला ही that one ना वाला जो sheets है ना? Yes. Okay. So maybe let me do this one, fourth one, till I will come back to that one. Now, guys, isko dono methods se karna hai. Method one, you don't know why. You don't know Archimedes principle. Dono se karke batao mujhe. Don't know Archimedes principle. Aur isme kya tha yaar? Usme do liquids the kya? तो यहाँ पर you have तो vertical forces equate करेंगे ना? Yes हाँ दोनों method से करके बताना है। तो इस पे you have to pretend that you don't know Archimedes principle। तो ये वाला oil, this is water। तो ठीक है इसमें ये first वाला हो गया oil और water उसमें जो है इसका cube sorry इसे का साइड कितना गिवन है? सो कुछ नहीं दिया है। साइड नहीं दिया है। इस स्पेसिफिक ग्रेविटी से गिवन। सर हम एक्चुअली रेशियो निकालना। वो रेशियो निकालना। तो इसको एक्स इसको वाई ले लेते हैं चलो है ना? तो इसको एक्स इसको वाई ले लिया और इट्स ठीक है। तो हमारे पास और डेटा जो है अब ये ऑयल में कहां पर है पता नहीं यार, इसका यहाँ का प्रेशर P1 बोल देते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर F1 P1 into A ओके P1 into A साइड वाला तो कैंसिल कर दो, ये वाला यहाँ का प्रेशर P2 बोल दो, P2 into A और डाउनवर्ड फोर्स, और डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ठीक है। सो अब जो है अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स करेंगे अप और डाउन को इक्वेट, भाई डाउनवर्ड फोर्स तो इसका मास, इसका मास कैसे लिखोगे? मास इज डेंसिटी ऑफ आइस, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए स्क्वायर इनटू इसका लेंथ, लेंथ कितना हो जाएगा ए ना स्मॉल ए ओके हां और हां साइड ए ले लिया तो क्यू भी कर दो ना यार ठीक हां अपवर्ड फोर्स यार नेट अपवर्ड फोर्स चाहिए
नेट अपवर्ड फोर्स कौन सा हो जाएगा? यहाँ F2 दिखा रहे हैं, यहाँ F1 दिखा रहे हैं, तो F2 माइनस F1 करेंगे ना. ओके, तो F2 माइनस F1 क्या लिखोगे? P2 इनटू एरिया माइनस P1 इनटू एरिया A स्क्वायर. एरिया इज A स्क्वायर. यार P2 और P1 में प्रेशर लिखना है. यहाँ का प्रेशर इज P1, यहाँ का प्रेशर इज P2. रिलेशन कैसे आ जाएगा? P2 बड़ा होगा. P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो ए एच रो ए जी. सर पर डेंसिटीज. हाँ, तो ऑयल में आएंगे ना पहले ऑयल से. ओह यस सर, सॉरी सर. अब यहाँ से पहले यहाँ तक उतरो, फिर यहाँ से और नीचे आओ. ये कौन सा है? रो ऑयल था और ये वाला जो है इस वाटर वाटर इनटू ए माइनस एक्स इनटू जी. तो P2 माइनस P1 रो ऑयल एक्स जी प्लस रो डब्ल्यू ए माइनस एक्स इनटू जी. क्या हो गया? ये वाला रो ऑयल एक्स जी रो डब्ल्यू ए माइनस एक्स इनटू जी रो आइस ए क्यूब इनटू ए. अरे यार इनटू ए स्क्वायर भी तो है. ये वाला ए स्क्वायर यार, इससे सॉल्व करो. सर रो आइस इनटू ए नहीं लिख सकते? रो आइस इनटू कुछ कहाँ पे रॉन्ग लिखा है क्या? सर नहीं, P2 equal to P1 plus rho ice into AG. नहीं, P2 और P1 के बीच में रिलेशन तो हम फ्लूइड से कॉन्सेप्ट से निकाल रहे हैं. ओके सर. इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट को 1 बोला और ये वाला पॉइंट को 2. तो P2 और P1 को फ्लूइड के कॉन्सेप्ट से निकाला. ओके सर. यार इससे आंसर चेक करो प्लीज, कितना आ रहा है? x equals to a by 2. मैंने एक ही जगह वॉल्यूम को कंपेयर किया तब भी सेम आंसर आ रहा, चलेगा क्यों? एक बार फिर प्लीज से अगेन. सर मैंने वॉल्यूम कंपेयर किया इंस्टेड ऑफ लेंथ. वॉल्यूम कंपेयर किया है लाइक एक मैंने ऊपर वाले का x ले, नीचे वाले का v माइनस x ले लिया. बोलेंगे तो नेट फोर्स. हाँ यस सर. नेट फोर्स मतलब F2 माइनस F1. यस हाँ खुशी, यू आर सेइंग प्लीज सेल अगेन. व्हाट वाज योर डाउट? प्लीज सेंड योर डाउट अगेन. कैन यू इक्वेट प्रेशर एट द बेस ऑफ द आइस क्यूब? यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, हाँ यहाँ का प्रेशर इक्वेट किससे करना है? ओके okay. नहीं मैंने तो फ्लूइड के कॉन्सेप्ट से निकाला. इस ये पॉइंट वन, ये भी पॉइंट वन का प्रेशर सेम लेवल, हाँ वन रहेगा. ये पॉइंट टू, ये यहाँ का भी प्रेशर वही रहेगा. फिर वन एंड टू के बीच में प्रेशर वेरिएशन वर्टिकल डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट से निकाला. ओके खुश होते हैं. नेक्स्ट पे इसमें, हाँ ये तो मेथड वन हो गया. आई विल रेज दिस पार्ट, हाँ वाला पार्ट है. नेक्स्ट मेथड टू बताना है. तो नेक्स्ट मेथड टू में, मेथड टू में क्या हो जाएगा? सिर्फ अपवर्ड फोर्स अगेन, हाँ डाउनवर्ड फोर्स. सर दोनों बॉयंट फोर्सेस अपवर्ड एक्ट करेंगे, एमजे डाउनवर्ड करेगा. नहीं बायंड फोर्स कैलकुलेट करना है ना, तो बायंड फोर्स के लिए क्या करेंगे हम? हाँ यहाँ पे तो एफ भी लिख देंगे, यहाँ पर मास ऑफ द आइस इनटू जी. जैसे आपने ये लिखा एफ बी का मतलब होता है नेट. हाँ वेक्टर सम ऑफ ऑल की नेट है, आपको नेट निकालना पड़ेगा. नेट फोर्स बाय द लिक्विड,
नेट फोर्स बाय द लिक्विड ऑन द बॉडी. भाई लिक्विड कहाँ कहाँ फोर्स लगाएगा, स्लाइड वाला, बेस वाला, इधर का साइड, ये वाला अप वाला, ना साइड वाले तो कैंसिल हो गए. इन दोनों को माइनस करके आपको जो नेट निकालना है, ठीक है. तो अब ये नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं बोलूंगा कि साइड, ये साइड में क्या है, खाली लिक्विड है, तो उसको अब आई एम ट्राइंग टू यूज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. मैं बोलूंगा यहाँ पर सराउंडिंग चंक ऑफ मॉलिक्यूल, यही डायग्राम मैं बना लूंगा, यही बाउंड्री ना, ये इमेजिनरी मैंने बाउंड्री बनाई. और फिर बोलूंगा कि जैसा ये ला बाउंड्री है जिस डेप्थ पे है, राइट, तो जैसा इस पे इंटीग्रल पीडीए आएगा वही इंटीग्रल इस पे पीडीए वही आएगा, ठीक है. अब इसके अंदर जो वाटर चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो इक्विलिब्रियम में, तो वो इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि फ्लूइड का नेट फोर्स इनके ग्रेविटेशन पुल को बैलेंस कर रहा है. तो उसका ग्रेविटेशन पुल इज मास ऑफ दिस वाटर चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ दिस वाटर चंक इनटू जी इज द बायंड फोर्स, इस वाटर चंक का मास इज बायंड फोर्स. तो मास ऑफ द वाटर चंक इनटू जी इज बायंड फोर्स. मास ऑफ द आइस, तो कहते हैं डेंसिटी ऑफ द आइस, वॉल्यूम ऑफ द आइस, इस चंक का मास है ना. अब ये वाटर चंक का मास, वाटर चंक का मास मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर लोग है, ठीक है. अब नहीं नहीं वाटर नहीं सॉरी वाटर नहीं है ना यहाँ पे, तो पूरा वाटर नहीं है, सॉरी ऑयल एंड वाटर है, सॉरी. ओके, तो मास ऑफ दिस ऑयल प्लस वाटर चंक, मास ऑफ दिस ऑयल प्लस वाटर चंक, तो मास ऑफ द ऑयल कैसे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ द ऑयल इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका, ऑयल का ऊपर के साथ करेगा बाइंड फोर्स, ऊपर क्यों आएगा, नहीं ऑयल का, क्योंकि ऑयल तो ऊपर है ना. नहीं नहीं, मैं तो ऑयल का फोर्स निकाल ही नहीं रहा हूं, मैं तो नेट निकाल रहा हूं. हां, नॉट ऑयल, बाइंड फोर्स बोलेंगे तो नेट, तो नेट इस पे नेट फोर्स, हां इस पे नेट, ये इंटीग्रल पीडीए इज कॉल्ड एज बाइंड फोर्स. इसको निकालने के लिए मैंने साइड में क्या किया, यहाँ ये वही वाला फ्लूइड था. समझ गया सर, समझ गया, थैंक यू सर. तो ये क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ इसका, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम, इस ऑयल का चंक का मास, इस वाटर का चंक, ऑयल का कैसे लिखोगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इनटू एच जी प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर, ए स्क्वायर इनटू ए माइनस एक्स इनटू जी इज इक्वल टू दिस वैल्यू, डेंसिटी ऑफ आइस इनटू ए क्यूब इनटू जी, सेम एक्सप्रेशन. डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्या कि mg is equal to buoyant force by water plus buoyant force by oil? Yes, same doubt. नहीं, mg की expression में. नहीं नहीं नहीं, फिर वो बच्चा बोलेगा ना सर ये जो है आप इस पे ऑयल पे, ऑयल का जो है ऑयल पे फोर्स तो ऐसा लग रहा है, फिर हाउ विल यू आंसर हिम कि भाई ऑयल का फोर्स, ऑयल का यहाँ पर जो है ऑयल का फोर्स ऐसा लग रहा है ना नीचे की तरफ है. यहाँ से जो ऊपर की तरफ लग रहा है और ये वाला जो नीचे की तरफ लग रहा है, साइड वाला तो कैंसिल ही हो गया, तो ये नेट ऊपर वाला और ये नेट नीचे वाला, उन दोनों का नेट मिलाकर, डिफरेंस मिलाकर, वो that will be called as the buoyant force, which is the net force. Yes, difference निकाल के, हाँ. By it, हाँ. अब जो है क्या होगा, integral PD आप निकालना है तो आप क्या करो, इस object पे मत निकालो, surrounding में जो खाली fluid खाली पड़ा हुआ है, यहाँ molecules पड़ा है उनको पकड़ो, वही वाली boundary यहाँ पे खींचो, boundary खींचा, उस boundary में, उस boundary के अंदर क्या क्या मिलेंगे, oil के water molecules मिलेंगे और पानी के molecules मिलेंगे और surrounding में fluid forces मिलेगा, तो सराउंडिंग के फ्लूइड फोर्सेस का ये हमें निकालना है. तो अभी ये जो चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स है ऑयल प्लस वाटर इक्विलिब्रियम में, हमारा एम ये निकालना है. तो ये इक्विलिब्रियम में है तो ये किसके वेट इक्वल होगा, इस पूरे के वेट के इक्वल होगा, तो हम डायरेक्टली इसका वेट निकालेंगे और इससे इक्वेट कर देंगे. फिर वंस यू गेट दिस वैल्यू, फिर वापस इस एक्सप्रेशन में आएंगे और उसको यूज करेंगे. हमें पता है कि वो आइस ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, तो क्या हम डायरेक्टली F2 माइनस F1 इज इक्वल टू mg नहीं लगा सकते?
तो उससे जो है कभी एरर सर एक्चुअली मैंने कैसे सॉल्व किया था बॉयंट फोर्स ऑन द अबव पार्ट मतलब बाय ऑयल एंड बॉयंट फोर्स बाय वाटर इज इक्वल टू एमजी वहां से मुझे आंसर आ गया आंसर क्यों आ रहा है वैसे मुझे फिर एक मिनट व्हाट यू आर सेइंग बॉयंट फोर्स ऑफ बॉयंट फोर्स बाय ऑयल प्लस बॉयंट फोर्स बाय वाटर इज इक्वल टू एमजी दोनों का मैंने बॉयंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ले लिया फिर भी मुझे आंसर आ रहा है हाँ नहीं वो इसलिए आया क्योंकि क्या किया उसका मैंने प्रूफ दिया ना अभी भाई क्या प्रूफ किया मैंने कि मैंने बोला कि भाई ठीक है इस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स का इक्विलिब्रियम अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स तो डाउनवर्ड फोर्स में चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स का देखो इसका वेट ऑयल का वेट नीचे वाटर का भी वेट नीचे और ये इसके इक्वल इसलिए आंसर आ गया ना ओके सर ओके सर गॉट इट सर यस हां और सर आई एक्चुअली सॉल्वड दिस बाय एन अल्टरनेट मेथड बट आई डोंट नो इफ इट्स करेक्ट और नॉट What is the method? Sir, I equated the pressure at pressure on the water, which is at the base of the ice cube. यहाँ पे pressure you found out. Equated with whom? Equated with? So I मतलब पहले मैंने क्या किया जो मैंने ना upper oil का जो है ना वो h1 assume कर लिया height. एंड देन वैसे ही मतलब आपने जैसे x एंड a माइनस x लिया है ना वैसे मैंने किया मतलब मैंने पहले p1 find out किया एंड उसके बाद आइस क्यूब का प्रेशर एट द बेस फाइंड आउट एंड उसके बाद मैंने इक्वेट कर दिया उसको विद द टोटल प्रेशर जैसे हम लोग इसमें इक्वेट कर देते हैं ना लिक्विड्स के लिए नहीं नहीं यू जैसे हाउ डिड यू फाइंड द प्रेशर एट दिस पॉइंट ओ यही मेथड हो गया ना फिर तो नहीं मतलब मैंने क्या किया प्रेशर बाय सॉरी फोर्स बाय एरिया लगाया मैंने आइस क्यूब के लिए मैंने पहले P1 फाइंड आउट किया वो रोजी एच से अपर के लिए एंड उसके बाद मैंने फोर्स बाय एरिया लगाया फॉर द आइस क्यूब एंड मतलब बेस पे मेरे को प्रेशर आ गया एंड उसके बाद आई इक्वेटेड इट विथ द प्रेशर ऑफ द ऑयल एंड प्लस रोजी ए माइनस एक्स ओके मतलब हाँ P2 को इक्वेट कर लिया बेसिकली वही मेथड हुआ उससे इक्वेट किया सो नहीं पहले निकाला था ना इसने यहां पर यहां से जो प्रेशर निकाला था उसको इसको h1 माना था इसको x इसको a - x ओके सो यहां से उसने p2 निकाला फिर यहां से उसने h1 से फिर यहां का प्रेशर निकाला फिर प्लस वेट बाय एरिया किया यहां का प्रेशर आ गया फिर इसको रखकर इसने इक्वेट ओके सो गॉट इट गॉट हां मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर हमें पता है कि ऑयल का बॉयंट फोर्स नीचे लगेगा वाटर का ऊपर लगेगा सर हम लोग उस पे डायरेक्टली वीरो जी इसलिए नहीं लगा सकते ना क्योंकि सर हमें पता है कि नेट फोर्स हमेशा ऊपर आएगा इसीलिए इसीलिए आपने चंक ऑफ मॉलिक्यूल से कैलकुलेट किया है बॉयंट फोर्स वो ज्यादा बेस्ट मेथड है ओके सर हमने ये कैसे कहा कि ऑयल का बॉन्ड फोर्स नीचे लग रहा है फोर्स नीचे लग रहा है मतलब लेकिन ऑयल का नेट ऑयल का बॉन्ड फोर्स ऐसा नहीं बोलते हम नेट बोलते हैं ना नेट नेट लिक्विड का बोलते हैं ना
तो किसी एक का नहीं कैटेगराइज करते हमेशा, कभी भी एक का नहीं बोलना है, नेट बोलना है हा? और सिर्फ ऑयल का फोर्स बोलोगे तो इस बॉडी पे नीचे आए। ओके सर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फिफ्थ, कैन आई इरेज दिस वन, आयुष यू आर डन? हाँ सर, यस सर, यू कैन इरेज दोनों मेथड्स। हाँ दोनों मेथड्स को, यस यस, हाँ इसमें आई सिक्वेंस में था इसलिए हमने पहला मेथड अपवर्ड फोर्स या डाउनवर्ड फोर्स या फिर ऐसे भी बाइंड फोर्स पता है तो सर कर लिया, दोनों नहीं किए। फिफ्थ में क्या गिवन है गाइस, वो सिक्स शीट्स वही है ना सर? मैक्सिमम लेंथ पूछा है वो सिक्स शीट्स वाले ना? यस सर, आयरन शीट्स। यस सर, साइरन शीट्स। यस मानी, हाउ डिड यू डू दिस वन, सिक्स वन? सर सरफेस एरिया, लाइक जो भी सरफेस एरिया होगा दैट इनटू द थिकनेस ऑफ द आइस शीट विल गिव अस द लाइक विल गिव द नेट वॉल्यूम ऑफ जस्ट आयरन, दैट मींस द मास ऑफ आयरन, यू विल हैव द मास ऑफ आयरन एंड देन इसका साइड ए अज्यूम कर लिया, मास ऑफ ईच शीट, वन मिनट, हां वन मिनट, मास ऑफ ईच शीट विल बी डेंसिटी ऑफ द शीट, डेंसिटी ऑफ द आयरन इनटू इसका वॉल्यूम, 6 ए स्क्वायर इनटू एज। नीचे एक चार वर्टिकल एक ऊपर, तो टोटल सिक्स शीट्स था। ओके, तो सिक्स टाइम्स दिस वैल्यू, सिक्स इनटू डेंसिटी ऑफ आयरन into a square into t, हाँ, फिर you have made a cube, अब ये cube जो है पानी में पूरा ऐसा आ गया, is about to get immersing, हाँ, फिर sir volume इसका होगा x cube, तो we can ignore the thickness so that like almost equal रहेगा, so x cube into density of water is equal into g is equal to the buoyant force which is equal to mg which we found out here, 6 rho a square into thickness. Okay, isko aapne likha 6 density of iron a square into t or fd ko buoyant force, buoyant force is density of water into yes a cube into g. So here, how did you take volume as a cube? Volume as a cube क्यों लिया? Oh, हाँ देखो हमें अब यहाँ पर जो है buoyant force निकालना है, उसमें buoyant force. Question में does not sink दिया है ना? जैसे हाँ अपन मान लेंगे ठीक है भाई एक layer बस, एक layer है, बस it is about to sink, just one layer. Maximum रहना चाहिए ना question में? इसमें जो है you are saying what? क्या? Sir, question sir? है maximum value of externalize रहना चाहिए, क्योंकि minimum रहेगा तो उसको जितना भी छोटा बना देंगे फिर वो sink नहीं होएगा। नहीं एक मिनट का, जैसे इसमें अगर देखोगे इस expression को solve करते हो। नहीं sorry sir समझ गया sir, sorry कैसे बताओ? Yes sir, अगर ये वाला लेफ्ट वाले साइड में
लेफ्ट वाले साइड में a स्क्वायर t क्यों लिया, ये वाला सर बॉयंट फोर्स की क्वेश्चन है, बॉयंट फोर्स इसमें ठीक है। तो इस बॉडी पे नेट क्या-क्या फोर्सेस है, एक ग्रेविटेशन पुल और फ्लूइड का फोर्स। तो फ्लूइड का फोर्स मतलब नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब क्या करेंगे अगेन सराउंडिंग में बाउंड्री कार्व आउट करोगे, यहाँ पे वाटर चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा। ओके सर गॉट इट सर। हाँ इस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स का also so even though the cube is hollow from inside it will still displace a volume of a cube right correct haan isme hame ye nikalna hai integral pda nikalna hai ye wala nikalna hai to isme hum yahan par side mein water chunk of molecules andar hai to iska equilibrium hum likhoge ye aayega so isse meko 0.48 aa raha hai kuch wrong hai guess yes sir meko bhi 0.48 aa raha hai yes sir 0.48 aa raha hai 0.48 आंसर कितना गिवन है गाइस नहीं सर 4.8 सेंटीमीटर आ रहा है यस सर 4.8 सेंटीमीटर आ रहा है सो 48 mm आएगा तो 4.8 सेंटीमीटर यस सर ओके सर t नहीं a is equal to a a सॉरी a निकालना है निश्चित आ रहा है इसका आंसर एक बच्चे ने पूछा था किस यार कहां गया वो बताओ यार इसका इसको समझ में आया बोला क्या था व्हाट इज द रीजन व्हाट हैपेंड सर नहीं किसी ने बोला था कि मिनिमम या मैक्सिमम में कुछ डाउट था somebody was saying अगर मान लो ए की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ए की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो कौन सा साइड बढ़ता जाएगा बैंड फोर्स वाला साइड बढ़ता चला जाएगा सो बैंड फोर्स बढ़ेगा तो बॉडी का क्या होना चाहिए फ्लोट हो जाएगा ना एंड व्हाट इज द कंडीशन हमें क्या क्वेश्चन व्हाट इज द सेंटेंस क्वेश्चन का What can be the minimum value of external edge so that the cube does not sink in water? Sink कराना है। तो अगर ये जो है हाँ जितना अगर छोटा होगा उतना sink होने के chances ज़्यादा है ना? Yes sir. तो जो है जितना छोटा होते जाएगा ये कम होते जाएगा तो ये sink हो जाएगा। सिंक नहीं कराना हाँ देखो इसमें जो है इट डज नॉट सिंक इन वाटर तो सिंक नहीं कराना है तो मतलब क्या कौन सा आपको ज्यादा रखना पड़ेगा ये वाला बायंड फोर्स ज्यादा रखना पड़ेगा थोड़ा सा बायंड फोर्स डेल्टा जो है ज्यादा रखना पड़ेगा सपोज अगर कि मान लो ये वाली वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू 4.8 है ना इसमें ना जैसे देखो मान लो यार 1 सेंटीमीटर पे क्या हो जाएगा ये वाला सिंक यस सर यस 1 सेंटीमीटर पे सिंक नहीं होगा 4.8 तक सिंक नहीं होगा जैसे ही 4.9 करेंगे तो क्या हो जाएगा सिंक हो जाएगा 4.9 पे इट विल सिंक मतलब द मैक्सिमम वैल्यू फॉर व्हिच इट नॉट सिंक्स नो व्हाट कैन बी द मिनिमम एज ऑफ द ब्लॉक so that it does not sink 4.9 pe sink kaise hoga sir yes so bhai matlab 1 pe sink hoga 4.9 pe to nahi hoga sir 4.9 pe nahi hoga na yahan pe ye sink ho jayega ye sab chote values pe sink ho jayega na jaise se 4.9 pe nahi hoga wo is ka ye ho jayega density kam ho jayega air ka volume badhega na andar is ye wala side jo hai jaise se badhate jaoge to ye badhta jayega to sink nahi hoga na not sink right नॉट सिंक तो नॉट सिंक वाला डेटा ये है और सिंक वाला डेटा ये सब सिंक वाला डेटा है ना इसमें से मिनिमम ये वाली वैल्यू होगी ना हाँ सर ठीक है सर समझ गया सर सिक्स वाले प्रॉब्लम में लेड पीस का वॉल्यूम लेना है कि नहीं हमें सिक्स में क्या ढूंढना है भाई सिक्स में क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड find the mass of the
सर लेना पड़ेगा ना बिकॉज दे हैव सेड दे हैव फास्टेंड द लेड पीस अंडरनीथ ओके नीचे है क्या ओके ओके तो 6 में यू आर सेइंग कि वो नीचे है और ये वुड ऐसा और लेड पीस नीचे है दिस इज योर लेड पीस दिस इज अ वुड और मोटर यहां पर है इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहां पर सर दैट मास एफबी विल कैलकुलेट Okay, so we'll calculate the effective density also we can calculate sir. So downward force dono ka mass aayega na fir to mass of the wood into g mass of the lead into g aur bind force kitna ho jayega fir sir dono ka volume aa jayega okay volume of the wood plus volume. 200 upon 0.8 plus ओके ये इसका दिया है क्या इसका मास 200 ग्राम्स यस अपॉन 0.8 ये वॉल्यूम ऑफ द वुड जाएगा और लेड का m बाय 11.3 सीरियस यूनिट्स सो कैन वी डू बाय द इफेक्टिव डेंसिटी आल्सो लाइक इट्स जस्ट द सेम मेथड विद वंस रिप्लेस बट ये ज्यादा सीप है ना ये सीप लगता है हां सर ओके सर और ये वाला जो है ml / 11.3 मास ऑफ द वुड 200 प्लस ml Guys, Friday you don't have classes, क्या? Friday boards classes होता है क्या? No sir, exams. Thursday no classes. तो Thursday you don't have exam. Friday you have नहीं Friday exams है? Yes sir. Sir वो MCQ है एक घंटे का बस. वो भी शाम को. Okay. और Saturday? Saturday classes होता है. Saturday से exam है एक week के लिए. हाँ sir. तो सैटरडे से एग्जाम है फ्राइडे यू डोंट हैव एनीथिंग राइट नो सर फ्राइडे नहीं फ्राइडे नो क्लासेस नो सर फ्राइडे को कॉलेज में डाउट लेक्चर्स आर शेड्यूल्ड ओके फ्राइडे कुछ नहीं इवनिंग में डाउट लेक्चर्स है 4 टू 8 फ्राइडे यू हैव डाउट लेक्चर 4 टू 8 सर थर्सडे कुछ भी नहीं है और थर्सडे कुछ भी नहीं है और 1 मिनट फ्राइडे का सर आई गेस फ्राइडे it don't have doubt lecture i guess friday ka slots at least 2 to 4 khali hai na aapka sir friday. tomorrow you have a lecture i mean doubt lecture yes sir timetable mein nahi diya lecture nahi hai sir kal ek bhi lecture nahi hai yes sir sir am sir ka slot free hai ha sir wo am sir ka slot free hai sir ka free rahega kab ka free hai friday 6 to 8 what time 4 to 6 4 to 6 सर उनका 4 to 6 फ्री है सर वो 6 to 8 है हाँ सर 6 to 8 15 to 8 15 दिया हुआ है 15 to 8 फ्री है ना फ्री है ना ओके ठीक है सर सॉरी यूजुअली डजंट टेक बट लाइक कल ले तो पता नहीं सर यूजुअली डजंट टेक इट टू कंप्लीट द पोर्शन वी आर नो लेक्चर्स दिस वीक सॉरी माय टेक ठीक है I will be in touch with you guys तो सर 2 to 4 ही अच्छा ठीक है we'll discuss तो थर्सडे आप ले सकते हो इवनिंग में क्लास नहीं है हाँ सर थर्सडे एक भी लेक्चर नहीं है कोई भी क्लास नहीं है कल ओके ठीक है ठीक है चलो गाइस ये वाला कैन आई रेज दिस वन सेवेंथ वाला हो गया कि नहीं यस सर डन सर मुझे एक डाउट है लेड को ऊपर रखे कि नीचे रखे डिफरेंस क्या बनेगा सर थ्रेड को सबमत तो सिर्फ वुड को करना है तो अगर लेड को ऊपर रखेंगे तो लेड सबमत नहीं होगा तो चलेगा ना ओके थैंक यू ओके इसमें सेकंड वाले में उसको ऊपर रखना है
तो सर उसमें बस वॉल्यूम ऑफ वुड को लेंगे ना इन कंसीडरेशन बाइंड फोर्स के लिए? हाँ ये सर वही पूछ रहा था। ओके some students are finding it tough guys, लेकिन don't worry, इसमें हो जाएगा, we have enough time, we have one month at least for the next TWT, तो उसमें अपन practice करते रहेंगे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा sums करेंगे तो एक भी काम आपा, और also ठीक है problems भी अपन एक दो lectures कर लेंगे, don't worry, we won't rush. तो 9th वाला आज हो पाएगा क्या? 9th वाला okay, one minute, क्या है question क्या है? तो पहले 7th वाला कर लो, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि हो पाएगा क्या? हाँ ठीक है, ये कैन यू टेल मी दैट क्वेश्चन क्या था? सर इट सेज कि एक होलो स्फेरिकल बॉडी है ऑफ इनर एंड आउटर रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्ट, करते करते 9th वाला तक करेंगे। सो मुझे 8th वाला में डाउट है। 8th वाला कैन आई इरेज दिस वन? ये वाला 7th वाला यस ओके 8th वाला करते हैं। चलो भाई 8th का क्या है जयशंकर, व्हाट इज द 8th क्वेश्चन, कैन यू टेल मी? Sir, it says that there is a block and we have immersed it in mercury and 1/5 of its height is immersed into mercury. ये वाला एक mercury है और block है बोल रहे हो और पानी भरा है, वही वाला हो गया जैसे fourth वाला sum था, oil and water वाला, और यहाँ तक इसको immerse करना है ये block, this is water. मर्करी ठीक है हाँ, और ये वाटर हो गया मर्करी। अब इस पे नाउ यू कैन यूज, यू हैव अ चॉइस मेथड वन और मेथड टू, ये एक्स और ये वाला साइड, ये 12 दिया है 12 माइनस एक्स, तो यू हैव अ चॉइस, यू कैन यूज मेथड वन प्रिटेंडिंग दैट यू डोंट नो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और यू कैन यूज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, किसे करना है मेथड वन या टू? टू से कर, चलो ठीक है मेथड टू से करना है, तो डाउनवर्ड फोर्स इज एम जी मास ऑफ द ब्लॉक इनटू जी, अपवर्ड फोर्स बाइंड फोर्स, बाइंड फोर्स मतलब ये वाला, ये इंटीग्रल पीडीए, ये इंटीग्रल पीडीए करना है, ये इंटीग्रल पीडीए, तो क्या करेंगे सराउंडिंग में पहले बाउंड्री ड्रॉ करेंगे, बाउंड्री ड्रॉ किया सराउंडिंग में, उस बाउंड्री में ये फोर्सेस शो करेंगे, चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे वाटर प्लस मर्करी, और उस वाटर प्लस मर्करी में बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द चंक करेंगे, देयरफॉर बाइंड फोर्स विल कम आउट टू बी द वेट ऑफ द वाटर प्लस मर्करी चंक, ठीक है वाटर प्लस मर्करी का चंक, तो ऐसे क्या हो जाएगा मास ऑफ द वाटर कैसे लिखोगे भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर और साइड, साइड इज 12 स्क्वायर मास ऑफ द ब्लॉक इनटू जी, 12 स्क्वायर और ये कितना है एक्स, डेंसिटी ऑफ मर्करी एरिया इज 12 स्क्वायर जी का हो गया जी, और ये रहा 12 माइनस एक्स इनटू जी, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं डेंसिटी ऑफ व्हाट सीरियस यूनिट्स में कर रहे हैं, तो सीरियस का तो डेंसिटी ऑफ व्हाट इज 1 या लिख लेते हैं थोड़ा चलो 2w 12 स्क्वायर x into g प्लस रो m 12 स्क्वायर 12 माइनस x into g मास ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक के लिए हमें इसका डेंसिटी गिवन है ना, ब्लॉक का पहले मास ऑफ द ब्लॉक निकालना पड़ेगा राइट, तो इनिशियल कंडीशन यूज कर सकते हैं, कंडीशन से 13.6 इनटू 2.4 इनटू 144 आ जाता है मास, मास क्या ओके, व्हाट इनिशियल में कितना फ्लो कितना था, इनिशियल मर्करी में था कितना, सर h/5 इमर्ज था मतलब 12/5 दैट इज 2.4 इमर्ज था,
Okay, Fb is equal to Mg. Fb is what? Density of mercury. Density of mercury is 13.6. Volume kitna hai? V by 5, no? 1/5 is? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. V or iska jo hai, Mg. Iska, guys, ye g to bada dete hai, yahan se yaar. Mg. 13.6 into ye side 12 square. 12 square by 5. ये कितना आता है सर 12 क्यूब 12 क्यूब सॉरी 12 क्यूब बाय 5 तो 13.6 ये तो मास आया 13.6 इनटू 12 क्यूब बाय 5 इनटू जी ओके जी उड़ा देते हैं पहला गाइस इसे प्लीज चेक करो आता है क्या ये वाला Or the 8th and the 4th one are the similar, are similar, right? 8th and 4th similar, yes. Okay. So which one will you be solving for it? 9th. Okay, sir. Yeah, Jay Shankar, iska answer match ho raha hai kya? Please check. Sir, I'm ready to do it. Sir, ho raha hai. CGS units ही लेना हाँ CGS units ठीक है गाइस ये वाला मैच हो रहा है तो आई विल मिस दिस वन ओके अंश यू आर सेइंग समथिंग कैन आई रेज दिस वन यस सर नोटेड नोटेड नाइंथ के लिए जो है सो इन द नाइंथ क्वेश्चन व्हाट दे हैव गिवन नाइंथ क्वेश्चन नाइन्थ में यू हैव अ स्फीयर और ये ऐसा है दिस इज इसका सेंटर ये ऐसा मैटर इसका इतना यहाँ पर और इट इज हाउ मच हाफ इमर्ज ना सो इट इज हाफ इमर्ज अब इसके लिए इक्वेशंस क्या आएगा यहाँ पर इक्विलिब्रियम Sir, Fb equals Mg. Fb equal to Msg. Okay, Fb is equal to mass of the sphere into g. Mass of the sphere. Mass of the sphere will be density of the matter of the sphere into volume of the matter of the sphere. Density of the sphere into volume of the matter of sphere. So, mass, iska density, yeh jo bhi hai. Iska matter, matter isi region mein hai yeh wala. तो उसका वॉल्यूम कैसे लिखेंगे 4 by 3 pi अगर कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर तो ये तो आ जाएगा हमारा रू एस 4 by 3 pi कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इनटू जी ये आ गया यहाँ तक अब जो है हमें सो गाइस अभी जो है हमारा हमारे पास इसका बाइंड फोर्स निकालना है
बाइंड फोर्स निकालने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिए जो है आपको यहाँ पर ये वाला इंटीग्रल पीडीए निकालना है। तो इंटीग्रल पीडीए निकालने के लिए ये वाला सरफेस जिस पे इंटीग्रल पीडीए निकालना है उसको कार्व आउट करेंगे। ये पीडीए वाला, इसको कार्व आउट किया मैंने, इसमें हमें इंटीग्रल पीडीए निकालना है। ठीक है भाई, अब इसमें लेकिन यहाँ सराउंड में क्या, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, वाटर के चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। तो ये पीडीए कैलकुलेट करने के लिए, दिस पीडीए कैलकुलेट आई विल यूज द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस वाटर चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको एफवी बोल देंगे। और एफवी इस वाटर चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स के फ्री बॉडी डायग्राम से कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब रो डब्ल्यू 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये वाला गाइस, इज दिस करेक्ट, प्लीज चेक। यस सर, यस सर। आपने कैपिटल आर क्यूब क्यों लिया, वो समझ नहीं। तो देखो, हमें इंटीग्रल पीडीए इस पे निकालना है। यस सर, इंटीग्रल पीडीए निकालना है। तो वही वाली बाउंड्री को मैंने इमेज, जो साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स है एक इमेजिनरी बाउंड्री बनाई, और ये जो पीडीए निकालना है उसको शो किया। लेकिन इस बाउंड्री के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, फिर मैंने क्या किया, इसका इक्विलिब्रियम लिख दिया। तो बोला कि भाई ठीक है, ये इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, इन चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स पे फोर्सेस क्या क्या दिखाएंगे, अर्थ का ग्रेविटेशन पुल और व्हिच विल बी इक्वल टू एफवी, जो ये वाला फोर्स है। तो एफवी इज इक्वल टू इसका, इस चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेट, ये चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ वाले है ना, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब होते। तो सर एफवी विल ओनली डिपेंड ऑन आउटर बाउंड्री, नॉट अंदर, तो उसमें फर्क ही नहीं पड़ता, बस बाहर से फर्क पड़ता है। यस, क्योंकि जो है इसका वाटर डिस्प्लेस तो इतना है ना। ओके सर, ओके गाइस, इज दिस ओके। जैसे अगर कि मान लो कुछ बुकलेट के, जैसे आज मेरा एक उसमें 3, 4, 5 में एक्स्ट्रा एक लेक्चर है, तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, और वही क्वेश्चंस क्या करूंगा, आपको आज रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, और कल सर भेज दीजिए रिकॉर्डिंग उसका। फिर क्या करूंगा, कल क्या करूंगा उसको ना, एक्स्ट्रा के लिए कुछ क्वेश्चंस के लिए आप लोग को, मतलब किसी को डाउट रहेगा उन क्वेश्चंस में, जो कुछ हैव डन, वी कैन हैव एन एक्स्ट्रा लाइक कुछ से हाफ एन आवर का कुछ पुट अप कर दूंगा, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट है तो वी कैन डिस्कस, थोड़ा सा कोर्स आगे हो जाएगा। यस सर, क्या रखेंगे अपन जो है, अभी इसमें कितने 9 हो गए ना, अभी कितने 9 क्वेश्चंस हो गए, कितने बाकी हैं, तो फ्राइडे के डाउट्स पे जो होमवर्क है, होमवर्क के रिमेनिंग क्वेश्चंस, होमवर्क के रिमेनिंग, और जो है और क्या था, होमवर्क के रिमेनिंग कर लेंगे, और फिर हाँ ठीक है, होमवर्क का सिर्फ बुकलेट डिस्कस करोगे? यस यस, सिर्फ बुकलेट, होमवर्क का बुकलेट जो गिवन था ना 22nd डेटेड था वो वाला, और आज के बेर के कौन से 10, 11 और कितने अभी बाकी है इसमें, 12 ना, 14 क्वेश्चंस आर, 13 क्वेश्चंस आर देयर, 13 सो 4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, 4 क्वेश्चंस उसमें कर लेंगे। बट सर 11 तो एसएचएम का ना, अपन लोग स्प्रिंग वाला नहीं करना। नो सर, इट इज नॉट अ एसएचएम, सर उन्होंने सिर्फ उसमें स्प्रिंग डाली है सर, वी हैव टू अकाउंट फॉर बॉन्ड फोर्स एज वेल एज स्प्रिंग फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, न्यूटन्स लॉ सर। ठीक है गाइस, तो इज दिस ओके, कल मैं एक एक्स्ट्रा रखूंगा फॉर दी, जो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा उसमें जो भी नहीं आएगा, थोड़ा सा इसमें आगे जा सकते हैं। सर फ्राइडे का टाइमिंग बता सकते? फ्राइडे का आई गेस यू गाइस सेड कि फ्राइडे का यू डोंट हैव एनीथिंग टिल, मतलब 4 o'clock से 8 आपका स्लॉट है, मॉर्निंग हो सकता है क्या, मतलब सॉरी मॉर्निंग हो रहा हूँ, 2 to 4 अदरवाइज। यस सर, 2 to 4, हाँ 2 to 4 में आई विल ट्राई, हाँ दूसरे बैच का भी है तो उनको मैं आगे करके फिर ऐसा करूंगा, ठीक है ना। और गाइस दिस इज ओके? यस सर, यस सर, यस सर, ओके गाइस, हां तो
न्यू होमवर्क आज ही भेजना है क्या? न्यू होमवर्क तो सर वो आप सम्स बोल रहे हो, आज भेजोगे ना आप? यस हाँ, वो भी मैं आज भेजूंगा। यस ओके सर, तो वही अभी होमवर्क वही है ना? हाँ, जो ऑलरेडी पीछे किया हुआ होमवर्क, पिछला जो होमवर्क है यू हैव कंप्लीटेड ना, अमोक वाला जो मैंने भेजा हुआ था वो हो गया। ठीक है, उसमें कुछ डाउट्स रहेगा तो ये डिस्कस करेंगे अपन फ्राइडे को, है ना? फ्राइडे को 2-4 टेंटेटिव नाउ, अभी नहीं। और दूसरा जो है ना, जो दूसरा वाला होमवर्क है जो आज का मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने वाला हूँ किसमें 3-5 में, तो वो वाला भी आपको आज होमवर्क दे दूंगा ना। वो बुकलेट से नहीं है? वो बुकलेट से होंगे 10-15 क्वेश्चन, तो आई विल मार्क आफ्टर, आई विल गिव यू आफ्टर द क्लास, तो आप लोग खुद से ट्राई करना। नहीं आ रहा है देन यू विल सी द रिकॉर्डिंग, अगर रिकॉर्डिंग में भी नहीं आया समझ में तो विल आई विल कीप एन एक्स्ट्रा। गाइस हां यस द क्लास इज ओवर गाइस, ठीक है यू गाइस डिस्कस का हो गया, यू मे गो फॉर द नेक्स्ट क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ठीक रहेगा ना फिर? यस सर। ओके ओके नहीं अभी नहीं, एक्सरसाइज 1 आई विल गिव यू होमवर्क टुडे, हां बताता हूं। ओके गाइस थैंक यू सर बाय। हां यस हेलो सर। यस हां, इन द फिफ्थ प्रॉब्लम दैट मैक्सिमम मिनिमम आई एम स्टिल हैविंग अ डाउट, फॉर द बॉडी टू फ्लोट वी विल हैव द बायंड फोर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg, सो इफ आई वुड, कैन आई इरेज दिस वन? Can I erase this one? फिर वाला डिस्कस कर लेंगे अपन। Can I erase this one? Students, everybody has copied this one, ना? Okay, हो गया ना guys? Can I erase? Please tell. Yes, sir. Okay, okay. चलो भाई, हाँ देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, Fp था, mg था, है ना? और फाइनल आंसर कितना आया था, रो डब्ल्यू इस साइड कितना आया था, ए आया था ना, और इधर क्या आया था, रो एस टी, ऐसा कुछ आया था। ठीक है ना, ऐसा कुछ आया था। अब इसमें देखो क्या था, इसमें जो है जब तक ए के 4.8 पे इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है ना, 4.8 तो 4.8 जब है रो डब्ल्यू इंटू 4.8, और इसका डेंसिटी कितना गिवन है जो भी है रो एस इंटू टी भी नोन है ना, तो अगर रो डब्ल्यू इंटू 4 करेंगे और रो एस इंटू टी करेंगे, ये तो वैसे ही है, ये कम हो गया तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। तो मतलब इसको कम करते जाओगे तो इधर क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, तो ये सिंक का डेटा हो गया, सिंक के ना रो डब्ल्यू इंटू टी रो एस इंटू टी रो डब्ल्यू इंटू 2 रो एस इंटू टी, इसमें सिंक हो जाएगा। अब देखो इससे ज्यादा पे ना, तो अब यहाँ पे 5 करेंगे तो इसको इक्वलिटी मत 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पड़ेगा राइट, तो नॉट सिंक। ये 6 करेंगे तो और बढ़ जाएगा, नॉट सिंक। 7 नॉट सिंक, तो इन सब में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये वाली है ना, ये अंडरस्टूड? यस ओके सर। यस ना सर, यू विल बी गिविंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम बुकलेट राइट? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम द बुकलेट आफ्टर द क्लास, ठीक है? ओके ओके सर, ओके आफ्टर द आफ्टर 11:30 आई विल गिव। हां ओके सर, और उसका रिकॉर्डिंग आई विल सेंड, पहले तो आप खुद से अटेम्प्ट करना, फिर रिकॉर्डिंग में देख नहीं आ रहा है देख के, फिर अगर वो भी नहीं आ रहा है तो आई विल कीप करन एक्स्ट्रा हाफ एन आवर जो भी छोटा सा लेक्चर रख ले, क्विक लेक्चर। कल यू डोंट हैव एनी क्लासेस टुमारो राइट? ओके सर। ओके गाइस थैंक यू ऑल, बाय।